साथियों, आपको पता है किताबें हमसे बात करती हैं। जी हाँ, किताबें हमसे बात करती हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के साथ मैं थोड़ा सा आप लोग से बात करना चाह रहा हूँ मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा। पढ़ना नौकरी के लिए नहीं, पढ़ना पास होने के लिए नहीं, देश की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए नहीं, एक लड़की से शादी करने के लिए नहीं, दहेज के लिए नहीं, बल्कि जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, जब आपको कोई उल्लू न बल पाए। आप लोगों के पास पता है किताबें बात करती हैं। बहुत सारे लोग शायद हंसेंगे, हाँ किताबें बात करती है दोस्तों, किताबें बोलती हैं हमसे, लेकिन उनसे बोलती हैं जो उस विद्या के लायक हो। आप पढ़ रहे हो, दिमाग कहीं और है। आप पढ़ रहे हो, सोच कुछ और रहे हो। आप पढ़ रहे हो, उस पढ़ाई का बोझ है आपके दिमाग में, कैसे ख़त्म करूं, टेंशन है। नहीं बात करेगी किताब, 110% किताब बात नहीं करेगी। किताब उनसे बात करती है जो उस विद्या की इज्जत करता है। हमारे देश में आज भी कॉपी और किताब को हमारे माथे से लगाया जाता है, अगर पैर से टच हो गया तो। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उस विद्या की वैल्यू है। सरस्वती देवी भगवान देवी माना जाता है विद्या का। दोस्तों, जिस देश में पढ़ाई को इतनी वैल्यू दी गई, ना जाने कितने नारे बनाए गए, पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वालों, 80-70 के दौर में, लेकिन आज हमारा देश पहले से साक्षर तो हुआ, लेकिन किस स्तर पर हुआ वो मुझे नहीं मालूम। शायद प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन दिमाग छोटा हो गया, और दिमाग छोटा होने की वजह से डिप्रेशन, परेशान, सुसाइडल, मौत, खुद को ही मान ली। जब तक आप ध्यान से पढ़ोगे नहीं, अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपका इस समाज में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। इस देश में वो व्यक्ति संविधान लिखता है जिसको कक्षा में बैठने का अधिकार नहीं था, बाबा अंबेडकर। कोई एक्सक्यूज नहीं था उनके पास में, ऐसी जाति में पैदा हुए, जब उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाता था, नहीं पढ़ूंगा, क्लास के बाहर बैठ करके पढ़े, क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ के उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित करी। जिद, डायरेक्शन, उनके पास एक डायरेक्शन था। वो कर गए जो अच्छी अच्छी बड़ी जातियों के बुजुर्गवादी जो हम बोलते हैं वो कुछ नहीं कर पाए। आज जिस संविधान पर हम चल रहे हैं वो संविधान उनके लिखे हुए हैं, और उनके जैसे संविधान, हमारे जैसे संविधान, चैलेंज करता हूं मैं, अच्छे अच्छे देशों में नहीं है। इतनी डिग्री ली कि लोग तो 12वीं तक पास होने के लिए पागल हो जाते हैं, यार छोड़ना है बस, बहुत पढ़ लिया। वो हर मतलब बहुत डिग्रियां थी उनके पास। जितने महान लोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे परिवार से रहे जिनके पास बहुत एक्सक्यूजेस थे। एपीजे अब्दुल कलाम एकदम गरीब परिवार में पैदा हुए, माइनॉरिटी में परिवार, जो माइनॉरिटी रात दिन राजनीति चलती है, माइनॉरिटी के नाम पर रात दिन रोटियां सेकते हैं लोग। इस्लाम में बहुत ज्यादा निरक्षरता है, क्यों उल्लू बनाया जाता है धन के नाम पर, जाति के नाम पर उल्लू बनाया जाता है, पढ़ते नहीं। हमारे देश में इस्लाम के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर वो लोग लड़ रहे हैं कि
उनकी बेटियां हिजाब पहन के जाएंगी उनके स्कूल में, स्कूल में, कॉलेज में, नहीं देखा आज तक, कहीं नहीं देखा हिजाब पहन करके किसी लड़की को पढ़ते हुए। लेकिन नेता लड़ रहे आपस में, इसलिए नहीं लड़ेंगे कि बेटियां पढ़ जाए, सब रोटियां सेक रहे। तो मुद्दे पर आता हूं मैं, मुद्दा ये है कि इतने ऊंचे उठो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग आपको सैल्यूट ठोके, हमारा देश, हमारे देश के लिए कुछ करो, हमारे देश के लिए कुछ करो। और जो व्यक्ति पढ़ने के लिए पढ़ता है, गारंटेड वो राज करता है देश में, नहीं पूरे विश्व में। बाबा साहब अम्बेडकर को आज पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व, मर के भी अमर हो गए वो। जैसे मैंने बताया, किताबें बात करती हैं, पढ़ना तो सीखो, समझना तो सीखो, रटना छोड़ो। बहुत अच्छी मूवी आई थी थ्री इडियट, उस मूवी को ताली बजाने के लिए मत देखो, उस मूवी को समझने के लिए देखो, किताबें पढ़ो। अगर कुछ करना है, बढ़ना है, किताबें पढ़ो, किताबें बात करती हैं। आगे और भी मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के सामने।